नमस्कार, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति के अंगूठे में आप विशिष्ट प्रकार के चिन्ह देखकर उसकी सफलता का अनुमान लगा सकते हैं। इसके लिए आप देखिए, अगर अंगूठे में हम यहाँ पर दो आप पार्टीशन देखते हैं, यहाँ पर दो विभाग देखते हैं, तो अंगूठे का जो पहला एक पोर्शन होता है ये वाला जो है, एक ये प्रथम पर्व रहता है, और ये वाला जो होता है ये होता है अंगूठे का द्वितीय पर्व यानी कि दूसरा पर्व। ये पहला पर्व जहां इच्छा शक्ति का प्रतीक है, वहीं दूसरा जो पर्व है वो तर्क शक्ति का प्रतीक होता है। और इसके बाद जो तीसरा पर्व है, इसको हम ये पर्वत मानते हैं शुक्र पर्वत को, इसका तीसरा हिस्सा माना जाता है अंगूठे का, और ये प्रेम का प्रतीक रहता है। किंतु यहां जो विभागीय रेखा है ये वाली, अब इस रेखा पर कभी कभी आपको यव चिन्ह दिखाई देते हैं इस तरह के। ये आमतौर पर सभी लोगों के हाथ में रहते हैं, छोटे बड़े। यव माला एक रहती है, ये यव माला होना हाथ में शुभ माना गया है। यदि हाथ में यव माला नहीं है तो ऐसे व्यक्ति में हम क्या देखते हैं, संतान संबंधी संघर्ष थोड़ा सा अधिक रहता है, और संतान के सुख की थोड़ी कमी या प्रेम के संबंध में थोड़ी सी कमी रहती है। यवमाला का होना निश्चित रूप से शुभ माना जाता है। लेकिन अब क्या देखेंगे कि अधिकतर लोगों के हाथ में यवमाला आपको दिखाई दे जाएगी। अब यवमाला तो अधिकतर लोगों के हाथ में दिखाई देगी, फिर इसमें विशिष्टता कैसे देखी जाए? तो बहुत से प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के हाथ में यहां पर आपको तीन यव दिखाई दें, विशाल प्रकार के तीन यव दिखाई दें, तो ये बहुत शुभ होता है। और ऐसे व्यक्ति को त्रिविध प्रकार का सुख रहता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीनों प्रकार का सुख, तीनों प्रकार का भाग्य से संयोग प्राप्त होता है, इसे निश्चित रूप से शुभ माना जाता है। किंतु यदि आप कुछ हाथों में देखें, अगर हम अंगूठे को इस तरह से यहां देखने की कोशिश करें, तो आपको यव मालाओं के प्रकार बहुत सारे दिखाई दे जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे ठीक से समझने की कोशिश करते हैं तो आप क्या पाते हैं कि एक यव चिन्ह तो आपको यहां दिखाई देता है। इस यव चिन्ह को निश्चित रूप से धन प्रदायक, सफलता प्रदायक और संतान के सुख देने वाला माना जाता है। ये यव चिन्ह यदि विच्छेद हो गया है, टूटा हुआ है, तो ये उतना शुभ नहीं है, बहुत ज्यादा शुभ फल नहीं दे पाएगा। लेकिन यदि ये बिल्कुल कंप्लीट यव चिन्ह है आपको किसी व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे, तो निश्चित रूप से इसे शुभ माना जाना चाहिए। और ये स्पष्ट होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसमें कोई प्रकार का टूटन फूटन, विखंडन या किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। कोई आड़ी रेखा से गाड़ ना रही हो, ये बिल्कुल साफ सुथरा हो और टूटा हुआ ना हो, तो निश्चित रूप से ये शुभ होता है। अब जो दूसरी बात हम कर रहे हैं कि यहां आपको फिर किसी के अंगूठे में एक पार्टीशन होता है, यहां पर निचले सिरे पर यहां आपको यव माला दिखाई दे, ये इस तरह से आपको तीन यवों से पूरी कंप्लीट यव माला यदि दिखाई दे, तो इसे विशेष रूप से शुभ माना जाता है। अब कुछ लोगों के हाथ में आप क्या देखेंगे कि ये यव चिन्ह टूटे हुए हैं, दोषपूर्ण है, या ये कंप्लीट नहीं है, या फिर क्या देखेंगे आपकी बिल्कुल यहां पर ये छोटी सी यव माला इस तरह से बन गई है। अब ये इस यव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस तरह के यव होना बहुत विशिष्ट रूप से कोई बहुत अद्भुत मामला होगा ऐसा नहीं है, ये शास्त्रानुसार बहुत सामान्य है। हालांकि ये शुभ होते हैं और ये जिन लोगों के हाथ में मिलते हैं आमतौर पर उन्हें संतान देखी जाती है, ये न होने पर संतान की प्राप्ति में थोड़ी बाधा मानी जाती है। लेकिन ये नहीं होंगे तो क्या संतान नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये होना संतान की पुष्टि करता है कि ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार से कितनी भी बाधाओं के बाद संतान प्राप्ति हो जाती है, किंतु आर्थिक सफलता का इससे कोई विशिष्ट संबंध नहीं देखा जाता। अब यदि हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह से आपको तीन यव चिन्ह दिखाई दे, इस तरह से सीधे पूरे अंगूठे की एक यवमाला बन रही हो, तीन यव बन रहे हो, तीनों बहुत स्पष्ट हो, तीनों बहुत साफ सुथरे हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए प्राचीन ग्रंथों में पुराने विद्वानों ने क्या कहा है कि बहुत सफलतादायक होते हैं। ऐसा व्यक्ति यदि राजनीति में रुचि रखता है तो अच्छे पद पर जाएगा, यदि धर्मों में रुचि रखता है तो अच्छे पद पर जाएगा धर्म क्षेत्र में,
तो ये निर्णय व्यक्ति का पुरुषार्थ करेगा कि वो कहां जा रहा है, किंतु वो जिस भी क्षेत्र में काम करेगा उसी क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त कर लेगा। ये बस निश्चित मान सकते हैं हम कि सफलता तो निश्चित है, बस ये है कि वो उस क्षेत्र में काम कर रहा है नहीं कर रहा, बस इतना सा महत्वपूर्ण है। तो आप यहां ये यवचिन्ह जो है इनको शुभ और अच्छा मान सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।